कोई देवदा हर पिता सुखदायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियोन ज्ञान रास नाम तन सौंपियोन इस सौदे लायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियोन इस सौदे लायक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रित पालक हर जी ओ प्रित पालक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता माता हर जी पिता हर जी मेरी सार करे हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक हम हर के बालक हर जी माता हर जी पालक हर जी ओ प्रित पालक हर जी माता हर जी पिता सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे ना विछुड़े मैं नालों कदे ना विछुड़े हर पिता सबना गल्लां लायक मैं नालों कदे ना विछुड़े हर पिता सबना गल्लां लायक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी
सतनाम वाहेगुरु पिता हर जीओ प्रित पालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक अपने बालक आप रखियुन पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद पए पूरन पई सेव भगत जना की बेनती सुनी प्रभु आप रोग मिटाए जीवालियों जाका वड परताप दोख हमारे बख्शियन दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाछत फल दितियन नानक बलिहारी हर जी माता हर जी पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पो के हा काड़ा जियो हर जी हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रित पालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक अवगुण को नाच तारदा गल सेती लायक अवगुण को नाच तारदा सुत अपराध करत हैं जेते अवगुण को ना चितारदा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना
राखस तेते रामैया। रामैया हो बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा। सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संबल थकी जी। ओ कदे ना बोले कौड़ा कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने। कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने अवगुण को ना चितारे अवगुण को ना चितारे। सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक। एक ऐब मेरा बाबल देखे देंदा देश निकाला। एक ऐब मेरा बाबल देखे देंदा देश निकाला। लख ऐब मेरा सतगुर देखे वेख करेंदा टाला। सात संगत जी बोलो श्री। एक अवगुण वेख लवे ना पिता अपने पुत्र दा ते कितना नाराज होंदा है उसते। कई बारी ता इतना क्रोध विच आ जांदा है कि पुत्र नू कहिंदा तू घरों ही निकल जा। पर तन मेरा पातशाह कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जेड़ा साढ़े रोज कितने औगण वेखदा है पर वेख के नजर अंदाज कर देंदा है कोई गल नहीं मेरे बच्चे हैं। साध संगत बोलो श्री। असी दिन रात भुला कर रहे हाँ गलतियां कर रहे हैं पर फिर भी वो केड़ा बख्शिंद है केड़ियां दातां सानू दे जांदा है। साडे गुण अवगुण नहीं वेखदा। सहबाणी विच कहिंदे ने अवगुण को ना चितारदा गल सेती लाए। जिवें मां अपने बच्चे दे कोई गुण अवगुण नहीं वेखदी भावें बच्चा मिट्टी विच भी लिबड़े है फिर भी मां आके दौड़ के उन्हें अपनी गोद विच बिठा लेंदी है नहीं वेखदी बच्चा गंदा है। साध संगत बोलो श्री। ये माता दा प्यार है बच्चे नाल तइए महाराज सन सुजान सिंह जी बचन करदे सन पुत्र कपुत्र हो सकता है पर मां प्यो कुमा प्यो नहीं हो सकता। सिख भुल सकता है पर गुरु नहीं भुलदा। साध संगत बोलो श्री। सिख लिख के दे सकता है कि तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं पर गुरु ने नहीं लिख के दिता कि तुसी मेरे सिख नहीं। साध संगत बोलो श्री। आनंदपुर का किला दुश्मन फौज नाल गिरिया लखां दी फौज बार और आनंदपुर साहब दे किले विच कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दा परिवार चार साहबजादे माता गुजरी जी ते थोड़े जे सिख युद्ध चल रहे है धर्म युद्ध हो रहे है। जिवें जिवें दिन बीत रहे हैं आनंदपुर साहब विच राशन की कमी हो रही है
कई सिख लड़ाई विच शहीद हो गए, अंदर थोड़े जे हुण सिख बाकी रह गए, जिदे विच मां सिंह जथेदार ते उदे 39 बाकी दे साथी। अज सवेरे दे दीवान विच सारे कत्र हो के 40 सिंह कलगीधर पातशाह दे चरणां विच आए। गरीब निवाज, कृपा करो सानू कुछ दिनों वास्ते छुट्टी बख्शो, असी घर जाना है। साहब कहण लगे, घर जाण दा वेला, धर्म युद्ध छिड़िया, इस वेले तां अपनियां जाना वारन दा वेला। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कौन न कीजे। ये हुण घर जाण दा वेला नहीं, ये तां हुण शहीदियां पाउण दा वेला है। इन्हां चालियां नूं हुण अपनी जिंद प्यारी है। साध संगत जी बोलो श्री वाहेगुरु। इन्हां चालियां नूं हुण अपनी जान प्यारी। सोचदे ने कि कुछ दिनां विच ही दुश्मन फौज ने आनंदपुर दे किले नूं ढा देना है। आ थोड़े जे सिंह लखां दी फौज दा की मुकाबला करनगे। गुरु भी पकड़िया जाएगा, असी भी मारे जावांगे। जदों मन विच खोट आ जावे ते गुरु दी समर्था भी सिख भुल जांदे। साध संगत बोलो श्री वाहे। ये नहीं जाणिया कि गुरु सर्व कला समर्थ है, सब ते वड समर्थ गुरुदेव, पर भुल गए समर्था नू कलगीधर पातशाह जी दी। गरीब निवाज, असी घर जाना है, सानू बाल बच्चे याद आए हैं, परिवार याद आया, कुछ दिनों की छुट्टी दियो ते फिर असी आ जावांगे। साहब जानते सन हुण तां कुछ दिनों की खेड है आनंदपुर के किले विच, नहीं हुण जाण की छुट्टी नहीं मिलनी। जदों 40 सिंघां ने मुड़ बेनती की, मां सिंह अगे हो के कहण लगा, पातशाह सी तां जरूर जाना है। अच्छा मां सिंह, जे जाना है तो फिर साड़ी एक शर्त मननी पएगी। पातशाह, एक शर्त की? 100 शर्तां मना लो, पर घर जाण दी छुट्टी दे दे। साहब कहण लगे, 100 नहीं मनाणियां, इक ही बहुत है। भाई दया सिंह जी, गरीब निवाज, कागज कलम दिओ इन्हां नूं। कागज कलम दे दिता। साहब कहण लगे, लिख दिओ, अज तो तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। ते बाकी 40 तले अपने अपने कर दिओ दस्तखत। मां सिंह आखण लगा साथियां नूं, एक पंक्ति लिखण दे नाल ही जान छुटदी है, इह तां बड़ी सौखी गल है। लिख दिता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अज तो तू साडा गुरु नहीं, ते असी तेरे सिख नहीं। सब तो पहला दस्तखत कीते मां सिंह ने, बाकी पिछे 39 ने करके वह विदावा। वह कागज जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं दिता, ते साहब दे नैन कटोरे पर आए। साध संगत बोलो श्री कि अज अपने भी पराए हो गए, अज अपने भी बेगाने हो गए, जिन्हां ते माण सी कि ये मेरे सिख हैं। साहब ने विदावा ले लिया ते लपेट के अपने कमर कस्से विच रख लिया। आखिया, दया सिंह जी, आनंदपुर दे द्वार खोल दिओ, दरवाजा खोल दिओ, जान दो इन्हां नूं घर। आखिया, जाओ, तुहानूं रस्ते विच कोई कुछ नहीं आखेगा, अमन अमान पहुंच जाओगे घर नूं। साध संगत, जद तक ये 40 सिंह मजैल मेरे सतगुरु तो मुख मोड़ गए, अपनी जान बचावन खातर प्रीत दा नाता तोड़ गए, प्यार दा जो गुरु दे नाल नाता सी आ जो टुट गया। जद तक इन्हां चालियां दी पिठ भी दिखदी रही, मेरे कलगीधर पातशाह जी ने
अखां नहीं चपकियां। साथ संगत बोलो श्री, क्योंकि जानदे सन अंतरजामी सन, जानदे सन कोई दिन आएगा ये चाली आउणगे वापस और अपनी भुलां नूं बख्शाउणगे। साथ संगत गुरु केड़ा बख्शिंद है, दिन रात सानू दातां दे रहा है, फिर भी असी गुरु तो बेमुख हो जांदे। उस वेले सिख गुरु तो बेमुख हुंदा है जदों सिख गुरु दा कहना नहीं मनदा, हुक्म नहीं मनदा, पर फिर भी गुरु केड़ा बख्शिंद है। ओ हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रित पालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बाल। सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक, औगण को ना चितारदा गल सेती लाए। औगण नहीं चितारदा, ऐसा मेरा कलगीधर पातशाह। आओ एक बारी सारे प्यार नाले पंक्तियां पढ़ लईए। हर जी माता, हर जी माता, हर जी पिता, धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हर जी पालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी माता, माता, हर जी पिता। Oh,
सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक अवगुण को ना चितारदा गल से ती लायक मुख मंगा सोई देउंदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंपियोन इस सौदे लायक
सांझी गुर नाल बहा लिया सर्ब सुख पायक मैं नालो मैं नालो मैं नालो कदे ना विछुड़े हर पिता सबना गल्ला लाए पिता अपने जीवन विच जितना भी कमांदा है ना अखीर अपने पुत्र नू ही देके जांदा है जे किसे नू उधार देवेगा भी सही तो कुछ दिना बाद वापस ले लेंदा है पर पिता पुत्र नू देके खुश हुंदा है इसे तरह गुरु जो है सिख नू दाता दे के खुश हुंदा है साथ संगत बोलो श्री पर आज ए 40 सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू बिदावा लिख देता जब तक इना चालियां दी पिठ भी दिखती रही मेरे कलगीधर पातशाह जी ने अखा ना चमकी क्योंकि जानते सन मेरे ही बच्चे हैं आज भुल गए हैं जा रहे हैं कोई दिन आएगा इन्हों अपनी भुल का पश्चाताप होएगा ते फिर इन्हों गुरु की शरण विच ही आके जगह प्राप्त होएगी साथ संगत बोलो श्री धन धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन जिमें नदी नू समुंदर तो परे कोई थां नहीं इसे तरह सिख नू गुरु दे चरणा तो परे कोई थां नहीं साथ संगत बोलो श्री आ 40 सिंह मजैल जदो मेरे सतगुर तो मुख मोड़ गए अपनी जान बचावन खातन अपनी जान बचावन खातर प्रीत दा नाता तोड़ गए गुरु दे चरना नालों प्रीत तोड़ लई ते प्रीत किथे लाई अपने परिवार दे नाल अपनी इस्त्री नाल तिया पुत्र नाल क्योंकि परिवार चेता आ गया सच्ची प्रीत तोड़ गए झूठिया प्रीतां पिछे तुर पे पर जदों 40 अपने अपने घर पहुंचे मां सिंह अपने घर पहुंचिया दरवाजा खड़काया घरवाली आई जिस वेले दरवाजा खोलिया क्या वेखिया दरवाजे ते पति खलोता नमस्कार कीती आओ जी जियाया नू पर ए तां दसो आप इस वेले घर किवें आए असी तां सुनिया आनंदपुर दे किले नू दुश्मन फौज ने घेरिया ते आनंदपुर दे किले विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दा परिवार ते थोड़े जे सिख रहे क्या युद्ध खत्म हो गया सब अमन हो गया पर मां सिंह चुप है जिस वेले अंदर आके बैठा मां सिंह मां दौड़ के आई सुनिया मां सिंह मेरा पुत्र आया पिता आया मां सिंह आया छोटा जा बच्चा मां सिंह दा दौड़ के आया पिता दी गोद विच बह गया ते मां पुछदी है मां सिंह पुत्र सुना ना कलगीधर पातशाह दा की हाल है कोई गुरु की गल सुना आनंदपुर दे किले दा की हाल है दुश्मन फौज चली गई वापस तू घर किवें आया उस वेले मां सिंह दा पिता कहन लगा मां सिंह मैं जे तेरा चेहरा वेखना तां पुत्र मैनू तेरा चेहरा काला काला लगदा ओ जेड़े तेरे चेहरे ते रौनक सी ओ रौनक नहीं है गल की है
उस वेले मां सिंह ने चुप्पी तोड़ी अपनी, मुंह खोलिया ते आखिया, पिता जी असी गुरु नूं विदावा लिख के दे आए। बेटा ये विदावा की हुंदा? मां सिंह दी मां पुछन लगी, बेटा ये विदावा की हुंदा? मां, विदावे विच असी लिखिया है कि हे गुरु गोबिंद सिंह, अज तो तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख ने। साथ संगत बोलो श्री। जिस वेले ए गल मां सिंह दे पिता ने सुनी, मत्थे ते हाथ मारे, ओ मां सिंह जे तू जमदिया ही मर जांदा चंगा सी, क्या मैं एक बेमुख दा पिता अखावांगा। मां सिंह दी माता रो पई, मां सिंह जे तू शहीद हो जांदा कलगीधर पातशाह दे चरणा तो सदके हो जांदा, मैनू कदे दुख ना होंदा, पर तू संसार ते आके मेरी कुख नू लाज लाई है। घरवाली कहन लगी, ए तुसा की कीता, क्या मैं एक बेमुख दी पत्नी अखावांगी। भैन मां सिंह दी जल दा गिलास लिया रही सी, सुनिया कि मेरा भाई बेमुख हो के आया है, हाथ विचों जल दा गिलास डिग पे। छोटा जा बच्चा मां सिंह दा पिता दी गोद विचों उठ गया। मां सिंह कहन लगा, बेटा सारिया ने ही मैनू छड़ दिता है, तू भी मेरी गोद छड़ के जा रहे हैं। और छोटा जा बच्चा बोलिया, बापू तू अपने पिता नू छोड़िया, मैं तेनू छोड़िया। साथ संगत बोलो श्री। तू अपने बापू नू त्याग दिता, आज तो मैं तेरी गोद त्यागी। उस वेले मां सिंह दे कलेजे ते चोट पई कि जिस परिवार दे मोह दे विच आके मैं अपने सतगुरु दे सोहणे चरण छड़ के, मैं अपने सोहणे सतगुरु कलगीधर पातशाह दी शरण त्याग के, उन्हां दे चरणा दी प्रीत छड़ के परिवार दे मोह विच घर आया ते मैनू किसे ना चलिया। आखिया, जे जान बचाण वास्ते घर आए हो। घरवाली कहन लगी, फिर साडियां चूड़ियां पा लो ते आ कृपान सानू दिओ, असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां सपुत्रियां हाँ, बच्चियां हाँ, असी उन्हां दे चरणा तो शहीद हो जावां। साथ संगत बोलो श्री। ऐसी कलेज चोट पई कलेजे ते। साथ संगत, एक मां सिंह दी ए हालत नहीं होई, बाकी उनतालियां दा भी यही हाल होए। सारिया नू अपने अपने घरां विच्चों धितकार मिली। हुण सारे 40 दे 40 कठे हो के धर्मशाला विच आए। साथ संगत, अगे कीर्तन हो रहे, सारे गुरुद्वारे विच आके कठे होए, विचार कर रहे हन हुण क्या करिए। अगे कीर्तन हो रहा है, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रित पालक, हर जी ओ प्रित पालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रित पालक, हर जी ओ प्रित पालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब साहेब हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रित पालक हर जी पालक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता जिस वेले चाली आए धर्मशाला विच गुरुद्वारे विच अगे कीर्तन हो रहा है कथा हो रही है कि संसार विच पापी बहु प्रकार दे हैं बहुत तरह दे हैं पर सब तो वड़ा पापी ओ है जेड़ा गुरु तो बेमुख हो जांदा है साथ संगत बोलो श्री पापी बहु प्रकार दे उत्तम मध्यम जान त्यों हत्या छे प्रकार दी मन में लेहो पछाण गौ ब्राह्मण मारिए गोत्री हाथ कराए रिन हत्या कन्या हत्या विसास घात अदकाए 96 करोड़ पाप सम हत्या एक कहाए खट हत्या के तुल है जो सिख गुरते फिर जाए साथ संगत बोलो श्री कथा हो रही है अगे धर्मशाल विच के दुनिया विच 96 करोड़ पाप हन शास्त्रां विच लिखे और 96 करोड़ पापां दे तुल एक हत्या है ते 6 वड्डियां हत्यां हन केड़ियां केड़ियां गऊ हत्या गऊ दा मारना ए पाप नहीं हत्या है ब्राह्मण हत्या गोत्री हत
अपनी कुल दे विच्चों किसे दा घात कर देना, रिन हत्या किसे कुल करजा लैके ते उसका करजा मोड़ना नहीं, ये पाप नहीं, ये हत्या है। कन्या हत्या, पहले समय विच राजियां दे घर जे पुत्री जन्म लवे ना कन्या ते उन्हूं मार देंदे सन, क्योंकि जे इदा व्याह करांगे ते दूजे के सिर चुकाना पएगा। साथ संगत बोलो श्री ते अपनी कुल दे विच राजे दे घर कन्या ने जन्म लेना ते उन्हूं मार देंदे सन। शास्त्रां विच लिखिया है ये पाप नहीं ये हत्या है। ते छेवीं हत्या विश्वासघात, विश्वासघात करना किसे दा नाल, ये पाप नहीं हत्या है। पहले उन्हूं अपने विश्वास विच ले लेना ते पिछों उहदे नाल विश्वासघात करना पाओ उहदी पिठ विच छुरा घोपना, ये पाप नहीं हत्या है। आख्या 96 करोड़ पाप उन्हूं लगदे न जिहड़ा इन्हां 6 हत्या विचों कोई 1 हत्या कर दे, पर इन्हां 6 हत्या दा पाप उस मनुख नूं लगदा है जिहड़ा अपने गुरु तो बेमुख हो जावे। साथ संगत बोलो श्री वाहेगुरु। 1 हत्या दा फल 96 करोड़ पाप ते 96 करोड़ पापां दा फल 1 हत्या मिलनी, ते 6 हत्या दा पाप उन्हूं सिर ते लगदा है जिहड़ी 1 वड्डी हत्या करे अपने गुरु तो बेमुख हो जावे। महाराज संत सुजान सिंह जी बचन करदे सन जे घर वाली 1 वारी घरों कढ़ी जावे ते फिर दोबारा उस थां ते कदे नहीं आंदी, चाहे घर वापस भी आ जावे। इसे तरह जे सिख 1 वारी गुरु दे चरणां नूं छड़ के चला गया ते भावें उपर कितनी मुशक्कत काले पर उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। साथ संगत बोलो श्री वाहेगुरु। ए तां गुरु समर्थ होवे ते मेर कर देवे, औगण बख्श देवे सिख दे तां गल होर है। नहीं तां बड़ी औखी गल है उस मंजिल तक कोई पहुंच सके। आख्या पापी बो प्रकार दे उत्तम मध्यम जान, त्यों हत्या 6 प्रकार दी मन में लेहो पछाण। गऊ ब्राह्मण मारिए गौत्री हाथ कराए, रे हत्या कन्या हत्या विशास घात अधकाए। 96 करोड़ पाप सम हत्या एक कहाए, खट हत्या के तुल है जो सिख गुरते फिर जाए। ते हुण 40 बैठे सोचदे ने सी एडे पाप कर बैठे, हुण सानू कौन बख्शावेगा। संगत विच बैठी सी माई भागो, आख्या मैं जानदी हां तुसी गुरु तो बेमुख होयो, पर हुण 1 ही रस्ता है तुहाडे बख्शणे बख्शण दा, कि अपनियां जिंदां गुरु कलगीधर पातशाह तो सदके कर दिओ, अपने गुरु तो अपने आप नूं कुर्बान कर दिओ। नेजे नाल लकीर पा दित्ती, आख्या जिन्हूं जान प्यारी है वह घर मुड़ जावे ते जिन्हें जान गुरु चरणा तो वारनी है वह मेरे नाल आवे। साथ संगत 40 ही लकीर टप के माई भागो दे नाल जिस वेले आनंदपुर साहब दे वल तुरे ते पता लग्या उत्थे आनंदपुर दा किला उजड़ गया है। 2 वड्डे साहबजादे चमकौर दी गड़ी विच शहीद हो गए, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। 2 छोटे साहबजादे ते माता गुजरी जी ए सरहंद वल गए, 2 छोटे साहबजादे सरहंद विच नीयां विच चिणे गए ते माता गुजरी जी भी उत्थे शहीद हो गए। ते सतगुरु कलगीधर पातशाह आनंदपुर दा किला छड़ के किते चले गए। साथ संगत बोलो श्री। आख्या हुण बचाउण दा अपनियां जान बचाउण दा वेला नहीं, ये जान गुरु तो वारन दा वेला। पता लग्या गुरु सच्चे पातशाह इस वल इस तरफ गए हन ते दुश्मन फौज पिछे है। आख्या हुण असी गुरु अगे ढाल बन के खलोवांगे, गुरु नूं अगे निकल जाउण देईए। खदराणे दी ढाल सी, सुक्का जा छप्पर जिथे पानी कोई नहीं, उत्थे
सिख अपनिया चादरां ला के झाड़ियां ते रख दित्तियां, दूरों मलूम होवे तंबू हन। दुश्मन फौज आया, समझिया गुरु गोबिंद सिंह इत्थे बैठे, युद्ध शुरू हो गया। साध संगत, एक पासे लखां दी फौज और एक पासे 40 सिंह। साध संगत बोलो श्री नाल माई पागो। ते युद्ध शुरू होया। गुरु गोबिंद सिंह जी का वचन है, 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम का, डरे नहीं। युद्ध हो रहा है, विच सच्चे पातशाह उच्ची टिब्बी ते पिछे बैठे ने, उतों वेख रहे हैं। दया सिंह, युद्ध हो रहा है, पातशाह कौन लड़ रहे हैं? आख्या एक पासे तो अपने ही हैं, ते विच सच्चे पातशाह भी तीर छड़ देवन अपना। जदों युद्ध खत्म होया, 40 सिंह कितनी देर लड़ते लखां दी फौज नाल, अखीर शहीदियां पा गए। फौजां वापस मुड़ गईयां, दुश्मन फौजां जितनियां बाकी सन, साहब टिब्बी तो उतरे। भाई दया सिंह इत आदक सिंघां नूं लै के जिस वेले पहुंचे, आखिया पर साध संगत लौथां दे ढेर लगे हैं, खून नाल सारी धरती लथपथ होई पई है। साहब कहन लगे, दया सिंह कोई जीवंदा लभ जीवंदा? किसे दी बाह मिली कट्टी होई, जिहदे हाथ विच कड़ा सी? साहब कहन लगे, ए मेरा सिख है। पातशाह, तुहानूं किवें पता लग्गिया सिख है तुहाडा, सिख दी बाह है? दया सिंह, इहदे हाथ विच कड़ा पिया है, ए मेरे सिख दा सिर है। पातशाह, तुहानूं किवें पता लग्गिया? आख्या दे सिर ते केस हन। ए मेरे सिख दा तड़ है, किवें पता लग्गिया? पातशाह, आख्या दे कछहरे तो पता लगदा है। साध संगत बोलो श्री, ते नाल वर दे जावन, ए मेरा 5,000 सिख, ए मेरा 10,000, 5,000 फौज नू मार के मरिया है, 10,000 फौज नू मार के मरिया पाओ। ते अखीर मां सिंह लभ्या, सिबक रहा सी, अखीर लिया स्वासा, साहब ने मुख पूंजिया, उत्थे ही धरती ते बह गए। मां सिंह दा सिर अपनी गोद विच रख लिया, मां सिंह दे मूंह विच पानी पाया, नेत्र खुले वेखिया, हैरान हो गया, सुपने के सच है कि मेरा सिर कलगीधर पातशाह दी गोद विच? आख्या हां, मां सिंह सच है, मैं तेरे गुनाह बख्शे। 39 रूहां जिहड़ियां शहीदियां पा गईयां सन, दरगाह नूं गईयां के बूए बंद। आख्या तुसी बेमुख हो, तुहानूं बूआ नहीं खुलेगा। बेमुख भावें शहीद भी हो जावे तां वी उह बख्शिया नहीं जांदा। आख्या तुहाडे कागज गुरु गोबिंद सिंह कोल हन, अजे फटे नहीं। मां सिंह बेनती कर रहा, पातशाह मां सिंह मंग की मंगदे? 4 युग तेनू उम्र देवां, धन दौलत देवां? नहीं पातशाह, एको ही मंग है मेरी, मेरा बिदावा फाड़ दियो, जिस ते लिख के दिता ती तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। ओ मां सिंह, ओ बिदावा मैं अज भी संभाल के कोल रखिया, कमर कस्से विचों कढ़िया, साहब ने दिखाया। पातशाह मेरियां अखां अगे ना लियाओ, मेरे पाप कीते। साहब कहन लगे, तुसी लिख के दिता सी ना, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। मैं तो नहीं लिख के दिता, तुसी मेरे सिख कोई नहीं। साध संगत बोलो श्री, पातशाह बिदावा फाड़ दियो। साहब ने बिदावा फाड़ दिता, आख्या मां सिंह तेनू भी बख्शिया, तेरे सदके उन्हां 39 नू भी बख्शिया। मंग की मंगदे हैं पातशाह? यही मंगदा कि मेरा अंत समा होवे, मेरा सिर तेरी गोद विच होवे, कीर्तन हो रहा होवे, ते मैं दरगाह नू जावां। साध संगत बोलो श्री, जा मां सिंह, तेरे वास्ते दरगाह दे बूहे खुले। साहब ने बिदावा फाड़िया, मां सिंह दी भी मुक्ति होई। अज उत्थे गुरुद्वारा मुकतसर है। 40 रूहां जदों गईयां दरगाह नू, अगे दरवाजे खुल गए दरगाह दे, 9 पातशाहियां बाहां उलार के खलोतियां, आओ मेरे बचेओ, तुहाडे औगण बख्शे, आओ तुहानूं दरगाह विच थां है। साध संगत बोलो श्री, ऐसा मेरा कलगियां वाला औगण को ना चितारदा, गल सेती लायक पिता जो है साडा। आओ प्यार नाल जपिए, हर की माता हर जी पिता, माता हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जियो प्रतिपालक, हर जी